हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और नई वैकेंसी के बारे में। और ये जो वैकेंसी निकाला गया है आपका IOCL की तरफ से निकाला गया है, पाइपलाइंस डिवीजन की तरफ से। और ये जो वैकेंसी आपकी अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला गया है, तो जो भी कैंडिडेट अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे इंडियन ऑयल में अच्छा यहाँ पे मौका है अप्रेंटिसशिप करने का। जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले इंडियन ऑयल में यहाँ पे परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसका अभी ऑनलाइन आवेदन अभी चल रहा है। और उसके बाद उनको ऑनलाइन करने के बाद हार्ड कॉपी भी भेजना है। तो अगर आपने उस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप जाकर उस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी उसे मांग रहा है। तो बाकी देख लीजिएगा आप नोटिफिकेशन में, मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जाके ज्वाइन आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम आज बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में, इंडियन ऑयल से जो अभी अप्रेंटिसशिप आपका निकाला गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट आप देख लीजिए, 1 तारीख को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, 5 तारीख से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट यहाँ पे 25/10/2021 है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे अप्लाई कर दीजिए। बाकी आप देख लीजिए, इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, यानी कि जो भी अप्रेंटिसशिप निकल के आता है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आपको कराया जाता है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 जिसमें रूल रेगुलेशन अप्रेंटिस के लिए बनाया गया, इसी के तहत जो भी अप्रेंटिस निकलता है इसी एक्ट के तहत आपको कराया जाता है। और ये वैकेंसी यहाँ पर इंडियन ऑयल में पाइपलाइंस डिवीजन के तरफ से निकाला गया है। इंडियन में यहाँ पे पाइपलाइंस डिवीजन, रिफाइनरी डिवीजन और मार्केटिंग डिवीजन होता है। फिलहाल अभी जो अप्रेंटिस निकला है यह पाइपलाइंस डिवीजन की तरफ से निकाला गया है। 5 रीजन्स में यह वैकेंसी निकाला गया है, वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस, नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस और ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन और साउदर्न रीजन पाइपलाइंस और साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस में यह रिक्रूटमेंट आपका निकाला गया है। इसमें कौन कौन सा स्टेट आता है, साथ में इसमें कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन सा रीजन में आपका किस ब्रांच के लिए वैकेंसी है, पूरा डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन के बारे में। मैं आपको एक रीजन का बता देता हूँ, बाकी आप PDF में आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस में गुजरात और यहाँ पर राजस्थान है। जिसमें गुजरात में बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट, फाइनेंस और डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसमें आपका एक वैकेंसी निकाला गया है अप्रेंटिस के लिए। और सीट आप देख सकते हैं इसमें टोटल 89 सीट है गुजरात में, और उसी तरह राजस्थान में 43 है। तो आप यहाँ पे ब्रांच आप देख सकते हैं। अभी मैं बात करेंगे नीचे क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो अलग अलग रीजन में आप देख सकते हैं लगभग वही ब्रांच इसमें एप्लीकेबल है। आप देख लीजिएगा आप जिस भी रीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं अब इसमें देख कर अप्लाई आप कर सकते हैं। बिहार, झारखंड का भी इसमें नाम है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सब स्टेट आपको इसमें दिया गया है। आप देख लीजिएगा जिस भी स्टेट से आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। टोटल यहाँ पर 469 आपका इसमें वैकेंसी आपका दिया गया है। बाकी अगर बात करें इसमें इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखिए इसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है, यानी कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस मतलब डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जो भी अप्रेंटिसशिप निकल के आता है इसमें 2 तरह का होता है, एक तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस जिसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं, और जो BE/BTEC पर अप्लाई करते हैं उसे ग्रेजुएट अप्रेंटिस बोला जाता है। तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस में यहाँ पर अगर मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पर आपको मांगा गया है। अगर आप लेटर एंट्री के थ्रू आप ITI के बाद डिप्लोमा किए हैं या +2 के बाद आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। मैकेनिकल में अप्लाई करने के लिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल से आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल में भी सेम वही प्रोसेस है आपका, इसमें आपका डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, यहाँ पर T&I यानी कि टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन इसका पूरा नाम हुआ। और इसमें भी यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, ये सभी ब्रांचेज यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, आप इससे किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए भी इसमें रिक्रूटमेंट आपका निकाला गया है अप्रेंटिसशिप के लिए। इसमें ट्रेड अप्रेंटिस के अंतर्गत आपका असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स यानी कि असिस्टेंट HR में आपका निकाला गया, जिसमें फुल टाइम बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। और ट्रेड अप्रेंटिस आपका यहाँ पे अकाउंट में आप देख लीजिए अकाउंटेंट में आपके पास यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है कॉमर्स स्ट्रीम में। और डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसमें फ्रेशर से अप्रेंटिस के लिए जिसमें 12th पास वाले इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए 12th पास वाले भी इसमें मौका आपको दिया जा रहा है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल के आया है। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो निकाला गया है तो इसमें आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए बट बिलो ग्रेजुएट। और यहाँ पे अगर एडिशनल में दिया गया है कि कैंडिडेट शुड पोजेस स्किल्स सर्टिफिकेट ऑफ डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ लेस देन 1 ईयर इशू बाई द अवार्डेड बॉडी रिकोगनाइज अंडर नेशनल स्किल्स। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। बाकी उसके बाद आप इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। तो एज क्राइटेरिया आप देख लीजिए, 18 साल मिनिमम का एज होना चाहिए, 24 साल मैक्सिमम दिया गया है 1/10/2021 तक। तो और बाकी जो ड्यूरेशन आपका रहेगा आपका यहाँ पे दिया गया है कि जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है जिसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 1 साल का यहाँ पे दिया गया है। और 1 ईयर दिया गया है जो ट्रेड अप्रेंटिस है जिसमें असिस्टेंट HR और अकाउंटेंट के लिए जिसमें ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर रहे थे। और जो तीसरा जो निकाला गया था आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसमें 15 मंथ का आपका है, यानी कि 1 साल से ऊपर का ये अप्रेंटिस है आपका। और जो
टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपको एक एक साल का अप्रेंटिस यहाँ पर रखा गया है। सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होगा, तो सिलेक्शन के में आपका यहाँ पर रिटर्न टेस्ट आपका लिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट में आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे जिसमें चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और ये 100 प्रश्न आपके टोटल पूछे जाएंगे। और ये जो 100 प्रश्न आप में, इसमें आपका नॉन नेगेटिव मार्किंग रहेगा, किसी प्रकार का कोई आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। और सिलेबस भी आप देख लीजिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे जो कि 75 तो आपके जो कंसर्न, जो आपका यहाँ पर डिसिप्लिन होगा, अगर डिप्लोमा से अप्लाई करते हैं तो डिप्लोमा से जुड़ा हुआ होगा, और 25 आपका नॉन टेक्निकल से रहेंगे जिसमें रीजनिंग हुआ, जनरल एप्टीट्यूड हुआ, जनरल इंग्लिश हुआ, ये सब चीज़ें आपको पूछे जाएंगे। और ट्रेड अप्रेंटिस जो अकाउंटेंट वाला है उसमें भी आपका 75 तो आपका यहाँ पर जो ट्रेड होगा, जो अकाउंट है उससे पूछा जाएगा, बाकी जो 25 क्वेश्चन आपके जो है नॉन टेक्निकल से रहेंगे। और जो असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स में भी आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे और ये प्रश्न आपके टोटल जो रहेंगे वो आपका नॉन टेक्निकल से पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज अवेयरनेस से प्रश्न रहेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 100 प्रश्न रहेंगे जिसमें आपका पूरी तरह से नॉन टेक्निकल भी आपका ये रहने वाला है जो कि क्लास 12th लेवल का ये होगा। बाकी रिटर्न टेस्ट आपका 120 मिनट का आपका रहने वाला है, तकरीबन 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में यहाँ पे रखा गया है और दिया गया है जो भी आपका कट ऑफ डेट इसमें दिया गया, एज या क्वालिफिकेशन जो है वो आपका 1/10/2021 तक यहाँ पे कंप्लीट हो, यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पहले ही आपको बता दिया गया है। बाकी अगर अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट इसे अप्लाई आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी था जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए इसमें निकाला गया है, तो जो भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें नीचे PDF में आप देख लीजिए कि जो जिसमें कौन कौन सा रीजन में आपका कौन कौन सा ब्रांच के लिए इसमें वैकेंसी है, तो यहाँ पर टोटल आपका दिया गया है, तो आप इस पर एक बार देख लीजिएगा, PDF का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप था जो कि इंडियन ऑयल की तरफ से निकाला गया है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर ले ताकि जो भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जुड़ी आपकी वैकेंसी निकल के आता है इसका अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहता है, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर भी नोटिफिकेशन जो है बीच बीच में डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।